प्यारे बच्चों, मैं मोमिन अब्दुल कादिर आज आपके सामने एक और सरगर्मी लेकर आया हूँ जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन इससे पहले आपको कुछ तस्वीरें देखना है और उनके नाम बताना है, और उसी के साथ साथ ये भी बताना है कि हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, और ये भी बताना है आपको कि ये जो तस्वीरें और इनमें जो चीज़ें दिखाई दे रही है ये किस बात से रिलेटेड है, यानी कि किस बात की तरफ इशारा कर रही है। तो चलिए हम आपको कुछ तस्वीरों का मुशाहिदा करवाते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो तस्वीर है इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। शाबाश ज़ारा फातिमा, बताइए किस चीज़ की तस्वीर है। केक, शाबाश। क्या है ये? केक है, और इसका इस्तेमाल कब होता है? बर्थडे वाले दिन। शाबाश, कब होता है इसका इस्तेमाल? बर्थडे वाले दिन, जब किसी का बर्थडे होता है तो उस वक्त इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आप दूसरी तस्वीर देखिए। शाबाश, चलिए नकी रजा आप बताइए इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है। सब्जियां, वेरी गुड, शाबाश। क्या है ये तस्वीर में? सब्जियां है, जिन्हें अंग्रेजी में वेजिटेबल कहते हैं। अब इनका इस्तेमाल बताइए। सारा फातिमा, गुड, बताइए। जी हाँ, इनका इस्तेमाल खाना बनाने के लिए किया जाता है, वेरी नाइस। चलिए आखिरी तस्वीर यहाँ पर देखिए और बताइए कि यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है। शाबाश, बताइए सारा। यस, एक आदमी है, क्या कर रहा है वो? खाना बना रहा है, गुड। ये जो आदमी है जो खाना बना रहा है इसको अंग्रेजी में कुक कहते हैं। कुक यानी के खाना बनाने वाला, और ये क्या कर रहा है? कुकिंग कर रहा है, यानी के खाना बना रहा है। तो चलिए बच्चों, आपने बहुत अच्छे से तस्वीरों का मुशाहिदा किया और उनसे मुतल्लिक मालूमात भी दी है। अब हम ये जानते हैं कि हमारे घर में हमारी जो माए बहनें हैं वो बड़ी मेहनत से, प्यार से, साफ सफाई से हमें अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाते हैं। हम ये भी जानते हैं कि उनका काम है खाना बनाना, लेकिन उन्हें खाना बनाना पसंद भी होता है, वो अपनी पसंद से अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं। इसी को अंग्रेजी में डिलाइट कुकिंग कहा जाता है। तो आज हम हमारा नया चैप्टर यानी कि नया लेसन जो है 8.10 वी लाइक कुकिंग, वी यानी कि हमें, लाइक यानी कि पसंद, कुकिंग यानी कि खाना बनाना, वी लाइक कुकिंग यानी हमें खाना बनाना पसंद है, हम ये सबक पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगली वीडियो तक खुदा हाफिज़।